हाँ मम्मी, हमेशा माँ बाप के आगे हमेशा अपने आप को, असल में हम फोन किए थे दोपहर में, आजकल के समाज में ना देखते हैं लड़का लोगों को हम ये कहेंगे कि बकलो सोना को जंग लग जाए तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा। अरे बाप रे, मम्मी इस टाइम फोन करती है। हाँ मम्मी। ठीक 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 ठीक, फोन ध्यान से देखा कीजिए। असल में हम फोन किए थे दोपहर में कि हाल चाल ले लेने के लिए, तो उस समय उठाई नहीं, अब दूसरे रूम में होंगी, इस समय कह रही हैं हमरा बहुते आखड़ा है बाबू, फोन ना उठाए तुमरा तो। हाँ, कभी कभी ध्यान रख लेना चाहिए, समझ में आएगी नहीं क्या, खास करके तब। अभी आप लोग भले पूछिए ना पूछे, देखिए अभी तो आप लोग का विद्यार्थी जीवन चल रहा है, तो विद्यार्थी जीवन में आप लोग को पढ़ाई प्रति ज्यादा समर्पित रहना चाहिए, लेकिन जितनी बुलंदी पे आप जाइए आप उतना विनम्रता लाइए, समझे। वो पेड़ की ऊंचाई किस काम का है जिसमें कोई फले ना लगे, कोई काम का फल है। तो हमेशा माँ बाप के आगे हमेशा अपने आप को उतना ही समझिएगा, क्योंकि आप उनका उंगली पकड़ के चलेगा। आजकल के समाज में ना देखते हैं लड़का लोगों को हम ये कहेंगे कि तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसकी सेवा नहीं करते हो, और सोचते हो कि दूसरे घर से लड़की लाए हैं अब वो बहू बन के सास की सेवा करेगी। अरे बकलो सोना को जंग लग जाए तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा। आपन माई बाप संभालिए नहीं रहे, लड़की लोग गलत बोल रहे हैं। अगर आप लोग डिप्लोमेसी समझिए, नहीं समझी। देखो यार कितना खुश है सर लड़की सर, आप लोग का जब अपने अपने ससुराल चल जाओगे, अगर कोई कहेगा ना, मान के चलिए हस्बैंड कहे कि मम्मी का पैर दबा दो, तो कहेगा हाँ हाँ आप उधर पापा का दबाइए जब तक। नहीं समझ आया डिप्लोमेसी, तब ओकरा समझ में आएगा कि दिन भर काम कईला के बाद थकला का मतलब कौन चीज होता है, नहीं तो ऐसे लगता है कि भाई सबका काम ही कौन चीज रहता है। तो डिप्लोमेसी देखो उधर। ये उठनी बहुत हंसती है।